रिपोर्टर, क्या आपका एक्सीडेंट हुआ है? लड़का, नहीं, मेरी आदत है शीशा तोड़ कर बाहर निकलने की। बाबा जी कहते हैं, रिश्तेदारों को खुश रखना जिंदा मेंढक को तोलने के बराबर है। एक को पलड़े में रखो तो दूसरा कूद जाता है। मेरी नई दरियाफ्त, साबुन किसी भी रंग का हो लेकिन जाग सफेद ही होता है। सोचा आपको भी बताता चलूं। दूसरों की अम्मी, मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकती, और मेरी अम्मी, इसने ही किया होगा बहन, हम खुद इससे तंग हैं। किसी शादी में चला जाऊं तो लोग दुल्हे दुल्हन को मुबारकबाद कम और मुझे तसल्लियां ज्यादा देते हैं। नो 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 नो। पूछना ये था कि ये जो अंधी मोहब्बत होती है, इसकी आंख का ऑपरेशन करवाएं तो ठीक हो जाती है क्या? जब एक बिजली की तार को दूसरी बिजली की तार से प्यार हो जाए तो उसे करंट अफेयर कहते हैं। फारिग बैठा था, सोचा आपको बता दूं। कजन मैरिज, सोती हुई बीवी के चेहरे से चादर हटाओ तो लगता है जैसे पुप्पो या खाला सोई हुई है। अगर आप सब मेरी पोस्टों से तंग हैं तो 2 करोड़ देकर मेरा मुंह बंद करवा सकते हैं। बेगम ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा, एक का प्याज दूसरे के आलू ले आए। कुछ देर बाद वापस आया और बोला, प्याज वाला नोट कौन सा है? बेगम ने फिर निशान लगा के दिया नोट पर, मैं बहुत कड़क इंसान हूँ। कुछ लोग उर्दू बोलते बोलते पंजाबी बोलन लग जाते ने, ते कुछ लोग पंजाबी बोलते बोलते उर्दू बोलने लग जाते हैं। बड़े अजीब लोग हैं। वैसे तो मेरे अंदर सब्र कूट कूट कर भरा है, लेकिन पता नहीं क्यों YouTube पे चंद सेकंड का एड देखते हुए सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है।